अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है रमजान का सेकंड जुम्मा, तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो अब मेरी प्रिपरेशन इफ्तारी शुरू हो गई है। एक्चुअली आज है ना बहुत ही कम चीज़ें मुझको बनाना है, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है उसके ऑफिस में अफ्तार पार्टी है और मेरे शौहर भी आज ऑफिस से लेट आने वाले हैं, मतलब अफ्तार तक नहीं पहुंचेंगे। तो सिर्फ रह जाते हैं मैं और मेरा बड़ा बेटा, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ही अफ्तारी बनाई है। लेकिन जो भी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन को, ये मैं बना रही हूँ गोल्डन फ्राई चिकन। तो इसकी मैरिनेशन बहुत सिंपल है, बस चिकन को है ना ऐसे पतले पतले लंबे स्लाइसेस में कट कर लेना है। उसमें हम डाल देंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे चिकन फ्राई मसाला और साथ में इनहेंस पाउडर हमें डालना है। और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारा चिकन जो है का मैरिनेशन जो है वो रेडी हो जाएगा। चिकन को हम रख देंगे साइड में। अब मेरे छोटे बेटे की जो ऑफिस में अफ्तार पार्टी है ना, तो उसको उसमें कुछ चीज़ें लेके जानी थी अफ्तार के लिए। तो उसने बताया कि एक दो रेसिपी आप बना देना, तो मैं आके ले जाऊंगा। तो बस उसी की अफ्तारी में जो चीज़ें बनेगी थोड़ी सी मैं अफ्तार में हमारे लिए भी रख लूँगी। तो मैं बना रही हूँ दही बड़े। दही बड़े ले जाना है तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगे। तो बस यहाँ पे मैं बेसन घोल के रख रही हूँ ताकि हैदराबादी दही बड़े देना है मुझको। कई बार इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। बस सॉल्ट डालना है, थोड़ा सा डालना है हींग पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर मैंने डाल दिया है इसमें, और साथ में एक चुटकी अजवाइन ये डाल देती हूँ मैं जब भी बेसन की कोई चीज़ बनाती हूँ, ताकि हाजमा जो है ना वो बेटर रहे। तो बस इसे पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा घोल लेना है, बहुत पतला बैटर नहीं तैयार करना है, ऐसे कि बस फुल्कियाँ हमारी जो है ना अच्छी सी तैयार हो जाए। क्योंकि दही बड़े चाहे आप मीठे बना रहे हो या हैदराबादी बना रहे हो, सारा कुछ डिपेंड होता है उनकी वड़ों पर। वड़े जितने बैटर बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, उतने ही दही बड़े आपके बैटर लगेंगे। तो यहाँ पे बैटर मेरा रेडी हो गया है, अच्छी तरह से इसे फेंट लेना है ताकि बिल्कुल भी लम्स वगैरह ना रहे बेसन में, गुटियाँ वगैरह ना रहे। बैटर रेडी होने के बाद इसे हम ढक के रख देंगे कम से कम एक घंटे के लिए, ताकि बैटर अच्छी तरह से रेस्ट ले ले। और तब तक हम तैयारी करते हैं सेकंड रेसिपी की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज तेज़ आलू। तो इसके जो ये देखिए स्मॉल मिनी आलू होते हैं ना, ये मैंने बॉईल कर लिए थे और बस इसे छीलना एक सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं ना बेबी पोटैटो, तो इसे छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जब ये बन के तैयार होते हैं ना तो बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो बस इसे छील लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। और आप बताइए अभी आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं, आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां कर ली है ईद की, और किस तरह से आप लोगों की अफ्तार चल रही है। अभी तक हमारे घर में अफ्तार पार्टी वगैरह नहीं हुई, बहुत जल्दी मैं ऑर्गेनाइज़ करूंगी तो आप लोगों के साथ में भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो बस तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना है आपको। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। इसी वीडियो में मैंने ईदी की एक छोटी सी झलक आप लोगों को दिखाई है, क्योंकि ईदी जा रही थी हमारे घर से किसी के लिए, तो उसकी पैकेजिंग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। देखिए यहाँ पे सारे आलू छील चुके हैं, अब बना लेते हैं
तेज़ आलू। तो यहाँ पे मैंने बड़ी सी कढ़ाई ले ली है क्योंकि आज सारी चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी। और यहाँ पे बाउल में ले लिया है पानी और उसमें डाल दिया है हींग। और यहाँ पे अब जो हमने बैटर तैयार किया था ना उसमें मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और अब हम अच्छी तरह से सोडा को मिक्स कर लेंगे बेसन में। और ये हमेशा से मैं ना लास्ट मोमेंट पे डालती हूँ, जब हमें फ्राई करना होता है ना वड़े तब हमें डालना है ताकि वो अच्छी तरह से फूले। अब मैंने पहले स्पून से जो है ना ये ट्राई किया और देखिए ये छोटे छोटे से वड़े ही डाले थे मैंने ताकि है ना जल्दी जल्दी से ये जब फूलेंगे तो इनकी साइज़ भी बढ़ जाएगी। और पार्टी में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वड़े जो है वो सही नहीं रहते हैं, छोटे या मीडियम साइज़ के ही वड़े हमें बनाने चाहिए ताकि अगर कोई भी ले रहा है ना तो वो अपने हिसाब से वड़ों को ले सके और इंजॉय कर सके। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ब्राउन कलर आने तक हमें फ्राई कर देना है और फिर इसे निकाल लेना है। हल्का सा ये ठंडे हो जाएंगे ना तब हम इसे डाल देंगे पानी में। अब वड़े फ्राई होने के बाद मैंने फ्राई कर लिया है आलू। जो तेज़ आलू हमारे बन रहे हैं ना उसको बनाने से पहले मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, इससे जो आलू का टेक्सचर है वो सही रहता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है ना इसका बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप कभी ट्राई करना, आप लोग भी तेज़ आलू बनाते तो ज़रूर होंगे, इस तरह से बनाना जैसे मैं बना रही हूँ। तो अब दही बड़ों के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ दही। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 1/2 kg के करीब जो है ना दही ले लिया है योगर्ट, और इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी मैं, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर कर लेना है। साथ के साथ यहाँ पे आलू भी फ्राई हो रहे हैं। तो स्कूल से आने के बाद ही सारी प्रिपरेशन होती है, तो अफ्तार का टाइम जो है ना बिल्कुल करीब होता है। और ऐसे टाइम पे आप लोगों के साथ में भी यही होता होगा कि जल्दी जल्दी 2-3 काम है ना साथ साथ में करने होते हैं। तो यहाँ पे आलू को बघार देने के लिए मैंने ऑयल रखा है थोड़ा सा कढ़ाई में, उसमें मैंने डाल दिया है राई 1 टीस्पून, ज़ीरा डाल दिया है 3 टीस्पून, और साथ में डाल दिया है कड़ी पत्ता। तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करके हम डाल देंगे सारे आलू, जो जितने भी आलू हमने यहाँ पे 2 kg आलू जो है ना मैंने लिए थे। और ये मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया है 1/2 कप पानी में, 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर, 3 टीस्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला है, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है। रेड चिल्ली पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इस तरह से आलूओं पे डाल देना है सारे मिक्सचर को, इससे क्या होता है इवनली मसाला जो है ना आलूओं पे लग जाता है। साथ में मैंने डाल दिया सॉल्ट, थोड़ा सा डाल दिया चाट मसाला पाउडर, और सारी चीज़ों को है ना हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक के जो आलू है वो मसाले से अच्छी तरह से कोट ना हो जाए और इनका कच्चापन ना निकल जाए, क्योंकि हमने पानी में ऐसे ही मसाले को मिक्स करके डाला है ना। तो बस ये अच्छी तरह से मिक्स होंगे और देखिए ऑयल की शाइनिंग जब आ जाएगी ना आलूओं पे तो समझ लेना है हमको कि हमारे आलू जो है ना रेडी हो गए। लेकिन ये आलू जो तेज़ होते हैं ना उसमें खटास डालना बहुत ज़रूरी होती है, जिसके लिए मैं आगर यूज़ करती हूँ, कोकम आगर। अगर कोकम आगर आपके पास नहीं है तो आप इमली का पल्प भी ले सकते हैं, या कोकम जो होता है ना उसका टेस्ट जो है वो तेज़ आलूओं के साथ में एकदम परफेक्ट जाता है। तो कोकम को आप भिगो दीजिए और उसको पीस के उसका जो थोड़ा सा पल्प होगा ना वो डाल दीजिए, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे आलू हमारे रेडी हो गए, दही में मैंने डाल दिया है सॉल्ट, थोड़ा सा डाल दिया है चाट मसाला पाउडर, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है यहाँ पर चटनी। तो ग्रीन चटनी जो है ना वो मस्ट है दही बड़ों में, हैदराबादी स्पेशली दही बड़ों में। आप चाहें तो ग्रीन चिली की क्वांटिटी और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया है जिंजर पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दही में।
इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 लीटर छाछ, क्योंकि मेरी दही जो थी ना वो खट्टी नहीं थी, वो मीठी थी। तो जो हैदराबादी दही बड़े होते हैं ना, उसमें दही जो है वो थोड़ी खट्टी होनी चाहिए, जब ही उसका टेस्ट जो है वो सही होता है। छाछ डालने से दोनों काम हो गए, खटास तो बढ़ ही गई और इसकी थिकनेस भी प्रॉपर हो गई। वड़ों को मैंने पानी से निचोड़ के निकाल दिया था और दही में डाल दिया और फिर बघार दे दिया गोल मिर्ची, ज़ीरा और कड़ी पत्ते का। दही भी रेडी हो गए, तो अब ट्राई कर लेते हैं गोल्डन चिकन, जिसके लिए मैंने 2 टीस्पून ले लिया मैदा, 2 टीस्पून ले लिया कॉर्नफ्लावर, 1 एग डाल दिया, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया और इसका एक बैटर तैयार करना है हमको। और जल्दबाजी में देखिए आटा किस तरह से उड़ रहा है, फैल रहा है। तो बहुत आराम से धीरे धीरे से इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे इसमें और इसकी थिकनेस प्रॉपर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, ताकि चिकन पे ये अच्छी तरह से अप्लाई हो सके। बस इस तरह से हमको ये बैटर तैयार करना है। ऑयल को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। बस इस तरह से चिकन को डिप करेंगे बैटर में और फ्राई कर लेंगे। तो बस इस तरह से हमें डिप करना है और फिर डाल देना है गर्म ऑयल में। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक, और हमारे गोल्डन चिकन फ्राई जो है वो तैयार हो जाएंगे। एक्चुअली इसके साथ में ना एक सॉस होता है, लेकिन आज क्योंकि टाइम नहीं है मैं उसका सॉस तैयार नहीं कर रही हूँ। हम ऐसे ही टमाटो केचप या चटनी वगैरह के साथ में ले लेंगे। फिर किसी दिन जब बनाऊंगी ना, तो आपके साथ में सॉस के साथ में इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो इस तरह से मेरी पूरी अफ्तारी आज की तैयार हो गई है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने जो ईदी हम लेके जा रहे थे ना, तो उसकी प्रिपरेशन किस तरह से की। कुछ चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी पैक कर ली है और कुछ चीज़ें रह गई है, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रमज़ान गिफ्ट हैम्पर तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये लिया है हिजाब, और ये मैंने बॉक्स ले लिया था। मुझको ट्रांसपेरेंट बॉक्स चाहिए था, तो मैंने केक बॉक्स का इस्तेमाल किया है और इसे मैंने इस तरह से रिबन रोल करके रिबन से बांध दिया है, ताकि स्पेस कम ले। इसी के साथ में मैं इस हैम्पर में रखने वाली हूँ एक मग, जिस पे लिखा हुआ है रमज़ान मुबारक, और इसकी दूसरी साइड जो है मैं जिसे गिफ्ट देने वाली हूँ उसका नाम भी लिखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे नहीं शो कर रही हूँ। तो रमज़ान मुबारक, और साथ में ये है इतर की बोतल, और इसके साथ में मैं दूँगी तस्बी और चॉकलेट्स। तो ये एक छोटा सा क्यूट सा गिफ्ट हैम्पर जो है हमारा रेडी होगा। माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट लग रहा था ये गिफ्ट बॉक्स। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम तैयारी कर लेते हैं दूसरी चीज़ों की। तो रमज़ान में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें मैंने इस बॉक्स में रेडी की है, रखी है। एक्चुअली पहली बार है ना मैं ईदी जो है वो पैक कर रही हूँ। बहुत एक्साइटमेंट थी मुझ में, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका मिला है मुझको कि ईदी की पैकेजिंग मैं कर रही हूँ। तो आप भी मुझको बताना, पहली बार ही हमारे घर से जो है ना ईदी जा रही है किसी के लिए, तो बहुत एक्साइटमेंट थी और सारी चीज़ें करने की कोशिश की। मुझे बताना अगर कोई कमी रह गई है तो ज़रूर आप शेयर करना, क्योंकि मेरे जितनी समझ में आए मैंने उतना किया है। और
आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से मुझे मिलती है मोटिवेशन और मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए है ना तैयार हो जाती हूँ, और जो भी करती हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। तो यहाँ पे ये भी इसको मैंने जिलेटिंग से कवर कर दिया, और ये जो फ्लावर बोथ है इसे मैंने है ना इस पर स्टिक कर दिया। तो ये भी रमज़ान हैम्पर जो है बहुत ही प्यारा लग रहा था। देखिए बाज़ार में चीज़ें मिल जाती है, हैम्पर रेडी मिल जाते हैं, लेकिन उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। इसमें हम हमारी पसंद की सारी चीज़ें रख सकते हैं जो हमारे बजट में भी होगी, और वो चीज़ें जो है ना प्यार और मोहब्बत के साथ में रखी हुई है, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो इस बारे में आपका कैसे मानना है मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ ये ज़रूर है कि वक्त देना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों को, लेकिन अपने हाथ से की हुई चीज़ की ना बात ही कुछ और होती है। बाकी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी पैक कर ली थी जो आपको नज़र आ रही है, और दूसरे दिन हमने एक बास्केट एक बॉक्स जो और रेडी किया था वो था फ्रूट का, क्योंकि हमें दूसरे दिन जाना था इसलिए ये मैंने रात में नहीं किया था। तो अब देखिए आप कंप्लीट ईदी। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।